गर्मी के मौसम में खुद को हेल्दी और हाइड्रेट रखने के लिए हम मौसमी फल खाते हैं। इनमें पानी की भरपूर मात्रा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम जैसे कई मिनरल्स होते हैं। तरबूज खरबूज में 90% पानी, किडनी की करेगा सफाई, सही तरह नहीं खाएंगे तो होंगे बीमार। फल खाने का नियम जाने, कौन नहीं खा सकता फल। कुछ लोग तो गर्मी आते ही अनाज खाना कम कर फल और जूस ज्यादा लेने लगते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा, इनमें पानी होता है। ये शरीर को ठंडा, हाइड्रेटेड, एनर्जेटिक और हेल्दी भी रखता है। इसके बावजूद अगर इन्हें गलत तरीके से या गलत समय पर खाएंगे तो फायदे की जगह नुकसान करेगा। फूड पॉइजनिंग की वजह सिचुएशन डेंजरस हो सकती है, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। ऐसे में आज जरूरत की खबर में बात मौसमी फलों या पानी वाले फलों के बारे में करेंगे। किन लोगों को और कब नहीं खाना चाहिए ये जानेंगे। इसके साथ ही अभी समझेंगे कि सड़क किनारे बिकने वाले कटे फल हेल्दी होते हैं या नहीं। सवाल, क्या हम डेली तरबूज खा सकते हैं? जवाब, हाँ जरूर खा सकते हैं, बस ये ध्यान दें कि एक साथ खूब सारा न खाएं। गर्मी में डेली तरबूज खाने से पेट रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। इसे खाने के कुछ नियम भी है जिसे ध्यान रखना चाहिए। जैसे जिन महिलाओं को PCOD की समस्या है उन्हें सुबह खाली पेट तरबूज खाने से बचना चाहिए। अगर लिवर रिलेटेड कोई बीमारी है तो खाली पेट नहीं खाना चाहिए। बाजार से लाकर तुरंत नहीं खाना चाहिए, कुछ देर पानी में डालकर रखें और फिर खाएं। तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं, इससे बैक्टीरिया फैलने का रिस्क बढ़ जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। सवाल, तरबूज की तासीर क्या होती है? जवाब, तरबूज की तासीर ठंडी होती है, ये दिमाग को शांत रखता है। सवाल, तरबूज कब नहीं खाना चाहिए? जवाब, रात में तरबूज नहीं खाना चाहिए, इस समय तरबूज को पचा पाना मुश्किल हो सकता है जिससे आंतों में जलन पैदा हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात में डाइजेशन प्रोसेस दिन की तुलना में धीमा हो जाता है। सवाल, क्या सुबह खाली पेट तरबूज खा सकते हैं? जवाब, नाश्ते के बाद ही खाएं तो अच्छा है, अगर सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे हेल्थ रिलेटेड कई परेशानियां हो सकती हैं। तरबूज में पोटेशियम फाइबर होता है, सुबह खाली पेट खाने से सीने में जलन, दर्द, हार्ट रेट बढ़ सकता है, साथ ही पेट दर्द, उल्टी दस्त हो सकता है। इसके अलावा लंच और डिनर के साथ भी नहीं खाना चाहिए। सवाल, तो फिर तरबूज खाने का सबसे अच्छा समय कब होता है? जवाब, इसे सुबह 10 से 12 बजे के बीच खाएं, शाम 5 बजे से पहले खाएं। सवाल, क्या डायबिटीज पेशेंट तरबूज खा सकते हैं? जवाब, डायबिटीज पेशेंट के लिए तरबूज डेंजरस हो सकता है, इसे खाने से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। किडनी और अस्थमा पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह इसे न खाएं। सवाल, मैंने कहीं सुना है कि जो लोग तरबूज खाते हैं उन्हें कैंसर होने का रिस्क कम होता है, क्या ये सही है? जवाब, हाँ बिल्कुल सही है, तरबूज में लाइकोपीन नामक तत्व पाया जाता है जो कैंसर से बचाव कर सकता है। लाइकोपीन की वजह से तरबूज का रंग लाल होता है, यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में कैंसर को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा तरबूज हॉट पेशेंट के लिए भी फायदेमंद है, इससे सेक्सुअल प्रॉब्लम भी दूर होती है। सवाल, कोई बीमारी भी नहीं है फिर भी तरबूज खाने के बाद बार बार यूरिन आती है, ये क्या कोई बीमारी है? जवाब, पोटेशियम से भरपूर तरबूज यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है, इसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है जिसकी वजह से बार बार यूरिन आती है, यूरिन की मदद से किडनी से टॉक्सिन बाहर निकाल जाते हैं। खरबूज फल खाने का नियम जाने, कौन नहीं खा सकता फल। गर्मी के मौसम में खुद को हेल्दी और हाइड्रेट रखने के लिए हम मौसमी फल खाते हैं। इनमें पानी की भरपूर मात्रा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम जैसे कई मिनरल्स होते हैं। सवाल, डायबिटीज पेशेंट खरबूजा खा सकते हैं? जवाब, खरबूजे में नेचुरल शुगर होती है, इसमें मौजूद एडिनोसिन खून को पतला करने का काम करता है, अगर एक लिमिट में डायबिटीज पेशेंट खरबूजा खाएं तो फायदेमंद हो सकता है। नोट, डायबिटीज पेशेंट डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। सवाल, क्या हम डेली खरबूजा खा सकते हैं? जवाब, हाँ डेली खरबूजे की कुछ स्लाइस खाने से शरीर में विटामिन ए की कमी दूर होती है। सवाल, किन लोगों को खरबूजा नहीं खाना चाहिए? जवाब, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, ये काफी हैवी होता है, अगर सर्दी जुकाम है तो न खाएं, एलर्जी है तो इसे खाने से स्किन रिलेटेड परेशानी हो सकती है। जिन लोगों की बॉडी काफी गर्म रहती है वे न खाएं। सवाल, क्या सुबह खाली पेट खरबूजा खा सकते हैं? जवाब, नहीं,
खाली पेट खरबूजा खाने से पित्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सवाल, खरबूजा खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? जवाब, खरबूजा खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजा हो सकता है। सवाल, खरबूजे की तासीर कैसी होती है? जवाब, इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें फाइबर और फोलिक एसिड जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। सवाल, कुछ लोग बताते हैं कि दूध और खरबूजा एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्या ये सही है? जवाब, जी हाँ, दूध और खरबूजे को एक साथ नहीं खाना चाहिए। दूध को पचने में ज्यादा समय लगता है। खीरा खाने का नियम जाने, कौन नहीं खा सकता? गर्मी के मौसम में खुद को हेल्दी और हाइड्रेट रखने के लिए हम मौसमी फल खाते हैं। इनमें पानी की भरपूर मात्रा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम जैसे कई मिनरल्स होते हैं। सवाल, खीरा क्या डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है? जवाब, खीरा डायबिटिक लोगों के लिए फायदेमंद है और शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। साथ ही खीरा फाइबर से भरपूर होता है। सवाल, हर रोज खीरा खाने से क्या होता है? जवाब, डायबिटीज से लेकर हार्ट और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए खीरा खाना अच्छा होता है। इसके अलावा इसकी हाइड्रेशन क्वालिटी आंतों को स्वस्थ बनाए रखने, कब्ज को रोकने, किडनी की पथरी निकालने में मदद करती है। सवाल, खीरा कब नहीं खाना चाहिए? जवाब, रात में खीरा नहीं। संतरा फल खाने का नियम जाने, कौन नहीं खा सकता फल? गर्मी के मौसम में खुद को हेल्दी और हाइड्रेट रखने के लिए हम मौसमी फल खाते हैं। इनमें पानी की भरपूर मात्रा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम जैसे कई मिनरल्स होते हैं। सवाल, संतरा क्या डायबिटीज पेशेंट खा सकते हैं? जवाब, डायबिटीज पेशेंट इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। संतरे में मौजूद फाइबर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल में रखता है। साथ ही संतरे में फोलेट पाया जाता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करती है। सवाल, किन लोगों को संतरा खाने से बचना चाहिए? जवाब, जिन्हें एसिडिटी या कब्ज की समस्या है, जिन लोगों को अर्थराइटिस या जोड़ों में दर्द है, जिनके दांत कमजोर हैं, किडनी से जुड़ी समस्या होने पर। सवाल, डेली एक संतरा खाने से क्या होता है? जवाब, संतरे में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। नोट, एक दिन में एक या दो संतरे से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। सवाल, क्या सुबह खाली पेट संतरा खाना चाहिए? जवाब, जी नहीं, सिर्फ संतरा ही नहीं, बल्कि कोई भी सिट्रिक फूड्स यानी खट्टी चीजें खाली पेट नहीं खानी चाहिए। अगर खाली पेट खट्टे फल खाते हैं तो इससे पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इससे गैस्ट्राइटिस का रिस्क बढ़ सकता है। सवाल, संतरे की तासीर कैसी होती है? जवाब, संतरे की तासीर ठंडी होती है। इसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए और विटामिन बी भी होता है। संतरा मैग्नीशियम और फास्फोरस का भी अच्छा सोर्स है। सवाल, संतरा खाने के बाद या उसके साथ क्या चीज नहीं खानी चाहिए? जवाब, अनानास फल खाने का नियम जाने, कौन नहीं खा सकता फल? गर्मी के मौसम में खुद को हेल्दी और हाइड्रेट रखने के लिए हम मौसमी फल खाते हैं। इनमें पानी की भरपूर मात्रा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम जैसे कई मिनरल्स होते हैं। सवाल, अनानास डायबिटीज पेशेंट खा सकते हैं? जवाब, अनानास में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए अनानास खाने से खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है। डायबिटीज पेशेंट इसे खाने से बचे। सवाल, अनानास डेली खाने से क्या होता है? जवाब, एक दिन में फ्रेश अनानास के कुछ स्लाइस यानी 2-3 पीस खाना काफी होता है। इससे शरीर को हार्मफुल फ्री रेडिकल्स और बीमारी से बचाया जा सकता है। ये खून को साफ करके डाइजेशन में मदद करता है। बालों, स्किन, नाखूनों और दांतों को न्यूट्रिशन देता है। सवाल, अनानास गर्म तासीर का होता है या फिर ठंडा? जवाब, अनानास की तासीर ठंडी होती है। गर्मी के मौसम में इसे खाने या जूस पीने से शरीर को अंदर से ठंडक मिलती है। इसे खाने का सही समय दोपहर है। इसमें कई न्यूट्रिएंट्स जैसे बीटा कैरोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम, फोलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं। सवाल, किन लोगों को जरूर खाना चाहिए? जवाब, जिन्हें पेट में गैस, पेट फूलने की प्रॉब्लम है, जिन्हें खट्टी डकारें आती हैं, रात में सोते समय अगर लार बहने की प्रॉब्लम है तो इसे जरूर खाएं। पेट में बार बार कीड़े हो जाते हो तो डेली अनानास खाएं। जिनका गला और मुंह बार बार सूख जाता है, इस समस्या से निपटने के लिए वो भी इसे खाएं। सवाल, अनानास खाने से कुछ नुकसान भी है क्या? जवाब,
इसके साथ दूध या दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। अनानास में मौजूद ब्रोमेलिन दूध में मिलने से पेट में गैस, मतली, इन्फेक्शन, सिरदर्द और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेग्नेंट महिला को अनानास नहीं खाना चाहिए, इससे मिसकराज होने का रिस्क रहता है। कच्चे अनानास का जूस पीने से उल्टी दस्त के साथ स्किन एलर्जी हो सकती है। सवाल, जूस पीने का सही समय क्या है? जवाब, सुबह खाली पेट जूस पीना सबसे अधिक फायदेमंद होता है। नाश्ते के साथ भी जूस पी सकते हैं, इससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिलता है। ध्यान दें, संतरा, अंगूर जैसे खट्टे फलों के जूस को खाली पेट पीने से बचें। ये शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है। आमतौर पर गर्मी में कई लोग फ्रेश और चिल्ड जूस पीना पसंद करते हैं, पर खाली पेट ठंडा जूस भूल के भी नहीं पीना चाहिए। इससे म्यूकस मेम्ब्रेन इफेक्ट होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने का काम करता है। सवाल, क्या जूस के साथ शक्कर या नमक मिक्स करना सही ऑप्शन है? जवाब, नहीं, जूस में नमक डालकर नहीं पीना चाहिए। नमक शरीर को डिहाइड्रेट करता है। शक्कर से भी परहेज करें। शक्कर को मीठा और धीमा जहर माना जाता है। सवाल, कुछ लोग खाने के साथ फल खाते हैं, क्या ऐसा करना सही है? जवाब, ऐसा करना भारतीयों के खाने के तरीके से हिसाब से सही नहीं है। हमारा खाना कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी से भरपूर होता है। ऐसे में अगर आप अपने खाने के साथ फल ऐड करेंगे तो कार्ब और कैलोरी बढ़ जाएगी। इसलिए नॉर्मल खाने से कार्ब कम कर फल को खाने के साथ खा सकते हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उन्हें खाना और फल फ्रूट्स मिक्स नहीं करना चाहिए। सवाल, कुछ लोग फ्रूट्स पर शक्कर डालकर भी खाते हैं, इससे क्या होगा? जवाब, ये तरीका भी गलत है। फ्रूट्स में मिठास नेचुरल तौर पर होता है, इसमें ग्लूकोज भी होता है, इससे कैलोरी बढ़ेगी, इसलिए उसमें शक्कर मिलाने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे में एक्स्ट्रा मिठास शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, वेट भी इससे बढ़ेगा। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो इस तरह से फल खाना डेंजरस है। सवाल, गर्मी आते ही सड़क पर जगह जगह कटे फल बिकते हैं, तो खाना कितना हेल्दी है या नुकसानदेह? जवाब, सड़क पर जगह जगह कटे हुए फल मिलते हैं, बहुत देर तक और पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने से उसमें केमिकल रिएक्शन और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन की परेशानी हो सकती है। इसलिए ताजे फल काटकर तुरंत ही खाएं। मुंबई की डाइटिशियन निहारिका बुधवानी फल खाने का नियम बता रही हैं, पढ़े और आज से उसे फॉलो करें। एक्सरसाइज करने से पहले और बाद फल खाएं। सुबह खाली पेट फल नहीं खाना चाहिए, एसिडिटी होगी। शाम 5 बजे के बाद मेटाबॉलिक रेट यानी फैट बर्न करने वाला प्रोसेस स्लो हो जाता है, इसलिए इस समय फल न खाएं। सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद फल खाना हेल्दी होता है। जानते हैं कि अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा नहीं। वेट लॉस करने के लिए फल खा रहे हैं तो सेब, केला, आम, चीकू, अंगूर और फ्रूट जूस न लें। डायबिटीज के पेशेंट भी आम, केला, चीकू, अंगूर और फ्रूट जूस न लें। डायबिटीज के पेशेंट सेब, आवोकाडो, चेरीज, आड़ू, नाशपाती, बेर खा सकते हैं। इनमें शुगर की मात्रा भी काफी कम होती है। एसिडिटी ज्यादा है तो खाने के बाद आधा केला खा सकते हैं।